दोस्तों, लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टी दल के लोग अपने अपने तरीके से इस चुनावी मैदान में अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में जुट चुके हैं। कहीं पर रैली निकाली जा रही है, तो कहीं सभा की जा रही है, तो कहीं पर शक्ति प्रदर्शन कर लोग जनता के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी लोकसभा 23 के आजाद उम्मीदवार जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष जो अपने सामाजिक कार्य को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, नीलेश भगवान सामरे, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से भिवंडी के तालुका ग्रामीण भागों में यह निराधार यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचकर अपने सामाजिक कार्य को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के सापुर इलाके की, जहां आपको बता दें कि बुलडोजर के माध्यम से जब नीलेश सामरे का काफिला सापुर ग्रामीण के भाग से होते हुए जब गुजरा, तो वहां पर फूलों की बरसात की गई और नीलेश सामरे के वहां पर जय जयकार के नारे गूंजे। इस बीच आपको बता दें कि नीलेश सामरे ने भी सभी मतदाताओं का हाथ जोड़कर आभार भी प्रकट करते हुए दिखाई दिए। पूरी तस्वीर भिवंडी के सापुर इलाके की है, जहां लोकसभा के चुनाव प्रचार को लेकर निराधार यात्रा जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश भगवान सामरे द्वारा निकाला गया। नीलेश भगवान सामरे का चुनाव चिन्ह आपको बता दें कि सिलाई मशीन है, जो आने वाले 20 मई यानी कि सोमवार के दिन पहुंचे थे, जहां आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर भी दिखाई थी। नीलेश भगवान सामरे जब शाहपुर के ग्रामीण भागों से गुजर रहे थे, तो वहां पर मंदिरों और दरगाहों पर मस्तक टेककर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी देते हुए दिखाई दिए।